इस वक्त जनपद बलिया में है और जनपद बलिया के रसरा क्षेत्र अंतर्गत डाक बंगला में है। और बात किया जाए तो आज बड़ी चर्चा का विषय है बीजेपी और सुभाषपा पार्टी के गठबंधन को लेकर। लेकिन बात करेंगे कि आखिरकार इन दिनों जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफ़ी जो है ये सुर्खियों में ओम प्रकाश राजभर, साथ में बीजेपी के जो है दिग्गज नेता अनिल राजभर भी है। लेकिन इस पार्टी से अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो है काफ़ी बगावतें जो अभी खबरें सामने आ रही थी उसी के लिहाज अगर बात किया जाए तो आज किस बात को लेकर कौन सी जो है ये मुद्दे सामने खड़े हो गए कि दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन कर ले। चलिए इन सब पे बात करेंगे। कुछ लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और डाक बंगला में आज कुछ प्रेस वार्ता के दौरान जो है कुछ आज जो है उपस्थिति थी, जहाँ मौजूदगी में जो है हमारे सामने मौजूद है कुछ लोगों से जानकारी हम चाहेंगे कि इस जो है डाक बंगला में आज उपस्थिति जो है। सबसे पहले स्वागत है बीनू जी, आपका भी स्वागत है और जितने भी लोग आपके दर्शक हैं देखने का काम कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। आज देखा जाए तो आप लोग डाक बंगला में उपस्थित हुए और चर्चा का ये भी विषय बना कि डाक बंगला में जो है कई तरह से जो है आपके पार्टी से बहुत नेता भी उपस्थित यहाँ पे थे सुबह में, लेकिन क्या बात लेकर आज आप लोग की एक साथ उपस्थिति दिखी थी? देखिए, यहाँ इस डाक बंगला में हम लोग आए हुए हैं आपसी जो संगठन के बारे में, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में, और हम लोग समाज सहित अन्य जातियों को किस तरह से जोड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस नाते हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और एक और बात है कि आप लोग बीजेपी से जैसे जुड़े उस तरह से सामने अभी एक खबरें आई थी कि बगावत की बात किया गया, सुभाषपा पार्टी से आप पहले जुड़े थे, वही सुभाषपा मुखिया से आपका पूरा जो है इतना बगावते जो खबरें लगातार चल रही थी कि वही जो है सुभाषपा मुखिया आज बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए। ये देखिए, पहले तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत अभिनंदन है। और बगावत देखिए, मैं नीति का करता हूँ, न कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा खेती और ज़मीन का विवाद है, उनके नीतियों का विरोध मैं करता हूँ। तो जो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो नीति है, अपने रास्ते से हम अब भटकते नजर आ रहे हैं, भटक चुके हैं, तो उनका मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, और बहुत लोग कहते थे कि अवधेश राजभर कुछ लोगों को, कुछ कार्यकर्ताओं को गुमराह करके लेकर चला गया बीजेपी में, इस तरह के उनके कार्यकर्ताओं का बयान आया था एक बार। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी हमने बहकाया है कि बीजेपी में आए गठबंधन करने के लिए? लेकिन पिछले दिन तो आप ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ जुड़ने के साथ ये भी बता रहे थे कि ओपी राजभर का जो है अब कोई ठिकाना नहीं है और ओपी राजभर जो है बीजेपी के सामने कभी भी जो है अकेले जो है सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो किस हालत में, कौन से ऐसे मुद्दे खड़े हो गए, क्या समीकरण बन गया कि बीजेपी के साथ गठबंधन की जो है खबरें अब लगातार सुर्खियों में है, और किस बात से आप लोग जो है एक बगावत की खबरें लगातार जनता के बीच में जो है खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन आप लोग अब जो बगावत की बात है अब एक साथ मिल चुके हैं? देखिए, बगावत नहीं है भाई, हम तो कह रहे हैं ना कि बगावत तो हम गलत उनकी नीतियों का कर रहे थे। आज वो शामिल अगर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं तो किस मुद्दे पर किए हैं अब तो वो जानते हैं ना। वो राजभर समाज को बतावें कि किस मुद्दे पर अगली बार भी जो गठबंधन किए थे वो, और बीजेपी ने इनको सम्मान भी देने का काम किया, बीजेपी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी के एक भी विधायक नहीं थे पहले, लेकिन चार विधायक बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चार विधायक बने और ये कैबिनेट मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद साथ साथ इनके जो बेटा हैं वो भी राज्य मंत्री बने, छह लोग सदस्य बने, तो बताइए भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया ना। अब किस वजह से ये गठबंधन को तोड़ने का काम किए ये बताएंगे, और आज जो राजभर समाज को जो आप इस तरह से धोखा देने का काम कर रहे हो, अगर आप 5 साल सरकार में रहते, मंत्री रहते, तो राजभर समाज के लोग थाने पर, तहसील पे मार नहीं खाते, उनका काम हुआ होता। लेकिन आप तो अपने सिर्फ लाभ में, अपने परिवारवाद में घिरे हुए हैं और राजभर समाज आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आज आपको जब इसी में आना था तो गठबंधन तोड़ने की जरूरत नहीं थी, और आज देखिए आज लास्ट में यहाँ पे आए हुए हैं,
तो किस लिए आए हैं, किस मुद्दा पे गठबंधन किए हैं, क्योंकि गठबंधन करने जाते हैं माननीय अमित शाह जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से जब ये मिलने जाते हैं तो अपने बाप बेटा जाते हैं। क्या कोई राजभर समाज सहित अन्य भी पार्टी के कोई सदस्य नहीं है जो उनके साथ जाए, उस बैठक में बैठे और सुने कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किस मुद्दे पर गठबंधन किए हैं? ये उनको नहीं लेकर जाते हैं इस नाते कि अगर मैं उनको लेकर जाऊंगा तो सारी पोल खुल जाएगी। यानी कि अभी तक आपको भी नहीं ये समझ में आ रहा कि आपके पार्टी से जो है उनका गठबंधन हुआ है तो किस मुद्दे को लेकर हुआ है? अरे हमको गठबंधन, देखिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है कि ये निर्देश है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला लेगी वो स्वीकार है, वो स्वागत है, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि हमको जानने क्या जरूरत है, पूरे राजभर समाज को जानो ना, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खून पसीना एक करके स्वदेह भारतीय समाज पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुँचाने का काम किया, उनको भी बताने की जरूरत है। जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता 100-200 रुपया खर्च करके जाता है गांव-गांव में संगठन बनाने का काम करता है, उसका भी अधिकार है जानने का कि किस मुद्दे पर आप गठबंधन किए हैं, बताने की जरूरत है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। ये सिर्फ अपने परिवारवाद में घिरे हुए हैं, ये जनता और राजभर समाज के लोग जान चुके हैं। मैं बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर की नीति है कि एक बेटा को लोकसभा में पहुँचा दूँ, एक बेटा को राज्यसभा में, और अपने में कैबिनेट मंत्री बनकर और राजभर समाज को गुमराह करने का काम करें। ये वादा कर रहे हैं कि फ्री बिजली बिल फ्री कराएंगे, माफ़ करवाएंगे, ये इन्होंने कह रहे हैं कि शिक्षा लागू कराएंगे फ्री, इन्होंने आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये सक्सेस हो रहे हैं या दिला पा रहे हैं कि ये जो है कि या तो अपने परिवारवाद में अपने बस अपने मजा लेने के लिए कर रहे हैं सब ये, बस जनता को और काम कर रहे हैं। क्या कैसा ये एक बातें जो है जो सामने आ रही है गठबंधन को लेकर, आप लोग बीजेपी से पहले से अब जुड़ चुके हैं, अब मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी इस पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि ओपी राजभर इस समय गठबंधन करके अच्छा काम किए हैं? देखिए आस मोहम्मद हैं, गठबंधन तो उनका एक खिलवाड़ हो गया है। खिलवाड़ है, हाँ, ये ओम प्रकाश राजभर जो है लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज खिलवाड़ नहीं करते तो पार्टी वाले आदमी है ना, वो पार्टी बांधे हुए हैं ना, हम लोग जैसे पीछे पीछे घूमने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी से जनता से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं कहीं ना उन्हें यह लग रहा है कि जो अभी पिछड़े जाति वर्ग के लोगों का जो है जो विकास की पहल जगनी चाहिए, उनका जो है जिस विकास के स्तर से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी, मजबूत जो है सरकार की जरूरत है, तो ये मद्देनज़र रखते हुए शायद गठबंधन ये लग रहा हो। देखिए वो मजबूती में वो नहीं आएंगे, वो अपने मजबूत के लिए सब काम कर रहे हैं, जनता की मजबूती के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आज देखिए हमको 18 साल हो गया उस पार्टी में। अच्छा 18 साल ओम प्रकाश राजभर के साथ हम रह चुके हैं, कौन देश नहीं देखे हैं, कौन मीटिंग नहीं देखे हैं, कौन विधानसभा नहीं देखे हैं, लेकिन जब हमारे इससे इंसान का वो नहीं हुए तो किसी का नहीं होंगे, क्योंकि हम एक गैर बिरादरी से थे ना। बिल्कुल, और मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, और कहीं ना कहीं सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के साथ बहुत ऐसे दल के लोग हैं जो जुड़े हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ वजह से नाखुश हैं। हाँ, जैसे आप लोग साथ में चले हैं, आप लोग ये बातें जानते होंगे। हाँ हाँ, नाखुश है ही हैं। जैसे आप लोग भी बता रहे हैं कई सालों से हैं, तो कुछ क्या बातें हैं जिस बातों से आप लोग थोड़ा सा मन में ऐसा संकोच रहता है? संकोच तो रहे करेगा भाई, काहे नहीं रहा। ये बताइए कि आप मीडिया वाले हैं, आप हम अच्छी बात कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा निकाल के बुरा बात निकाल देंगे तो लोग नाराज हो गए ना। उसी तरह हमारे जनता के बीच में कुछ किए नहीं हैं। अच्छा। कुछ नहीं किए हैं, एक एक मुहरा बना करके और जनता के बीच में हमको दिखा रहे थे बस। अच्छा, ये बात है। कोई काम आज तक वो कहे नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। साथियों आपने देखा कि तमाम ये बातें चल रही है, अभी जैसे गठबंधन हुआ ये हलचले बढ़ चुकी है कि आखिरकार गठबंधन को लेकर तमाम सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि जो सुभाषपा मुखिया अभी जो पहले बीजेपी से गठबंधन हुई, उसके बाद सपा से, उसके बाद फिर पुनः जो बीजेपी से, आखिरकार जो है ये गठबंधन की बातें लगातार जो है पार्टियों से जो बदल कर जो हो रही है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं ये घेरे में लेता है ओपी राजभर को कि आखिरकार वो फिर कभी गठबंधन करते हैं, कभी उसी पार्टी से नाता तोड़ते हैं, और फिर
जाके जो है जिस पार्टी से जो है वो विरोध करते हैं उसी पार्टी से जुड़ जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम बात करेंगे कि इस तरह से जो है जो खबरें आ रही है, खास हम ऐसे जो है तमाम जो है जनता की राय और तमाम ऐसे जो है कुछ और मुद्दे हैं जिसको खुलासा करने का जो प्रयास है जनता के द्वारा, वो सारी बातें आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।